सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम 5 अक्टूबर के करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। मैं आपके लिए लगातार डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाते रहूंगा। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तथा फ्रेंड, मैंने वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था वेदांतु कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आमिर खान। वेदांतु कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बने हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने मछुआरों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने मछुआरों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। इंडियन बैंक के बारे में जानकारी। इंडियन बैंक हमारे देश का सबसे मुख्य बैंक के स्वामित्व में एक प्रमुख बैंक है। समस्त भारत में इसकी 2421 शाखाएं हैं। स्वदेशी आंदोलन के अंश के रूप में 15 अगस्त 1907 को यह स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संजय सिंह। गांधी पुरस्कार 2020 से संजय सिंह को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, गांधी पुरस्कार भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर दिया जाने वाला पुरस्कार है और संजय सिंह को यह पुरस्कार इजराइल में निजी कंपनी के बियर की बोतलों पर महात्मा गांधी के चित्रों को हटाने के लिए दिया गया है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के हिमाचल प्रदेश में अटल टनल का उद्घाटन हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 9.2 किलोमीटर। भारत के हिमाचल प्रदेश में अटल टनल का उद्घाटन हुआ है, इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, अटल सुरंग का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा में स्थित है। अटल सुरंग मनाली को लोहल स्पीति से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, टॉप 3 राज्य, पहले पे गुजरात है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे हरियाणा। इस अभियान में गुजरात के सभी जिलों में सामुदायिक शौचालय निर्माण, रंग रोगन और रखरखाव के लिए संसाधनों को जुटाने में बेहतर प्रदर्शन किया है। गुजरात राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ, लोकसभा की सीटें 26, विधानसभा की सीटें 182, राज्यसभा की सीटें 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा में किया गया है। ओडिशा के बारे में जानकारी, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। ओडिशा उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर, राजभाषा ओडिया, गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। इसके राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, विधानसभा की सीटें 147, राज्यसभा की सीटें 10, लोकसभा की सीटें 20 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में तन्मय लाल को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वीडन। स्वीडन देश में तन्मय लाल को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्वीडन यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी स्टॉकहोम है, करेंसी स्वीडिश क्रोना है, प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। गोरखपुर के बारे में जानकारी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में नेपाल के साथ सीमा के पास स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। यह गोरखपुर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय तथा पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में नंदिनी सिंगला को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉरिशस। मॉरिशस देश में नंदिनी सिंगला को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी पोर्ट लुई है, इसकी करेंसी रुपया है, प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ हैं, राष्ट्रपति पृथ्वीराज रूपाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम। असम राज्य ने 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है। असम के बारे में जानकारी, असम उत्तर पूर्व भारत में एक राज्य, इसकी राजधानी दिसपुर है, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है, इसकी राजभाषा असमिया है, इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 को, इसके राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल हैं, विधानसभा की सीटें 126, राज्यसभा की सीटें 7 और लोकसभा की सीटें 14 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पशु दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड एनिमल डे। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विलुप्त हुई प्रजाति के जानवरों की रक्षा करना और जानवरों के प्रति क्रूरता, पशु अधिकारों के उल्लंघन आदि जैसे विभिन्न मुद्दों की पर जागरूकता पैदा करना है। अक्टूबर माह के कुछ इंपोर्टेंट डेज हैं जिनको मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है, इसको वरिष्ठ नागरिक दिवस भी बोलते हैं। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसको हम गांधी जयंती बोलते हैं। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को जर्मनी एकता दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अखंडता दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है भारत में। 8 अक्टूबर को विश्व वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को भारतीय प्रादेशिक सेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को कांशीराम जयंती मनाई जाती है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक तार दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को कोलंबस दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को विश्व अर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छड़ी दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व ग्रामीण महिला दिवस मनाया, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व एनेथीसिया दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को विश्व ट्रामा दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को विश्व आघात दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय सॉलिडरिटी दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को आजाद हिंद फौज स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मरणोत्सव दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। 25 अक्टूबर को श्री हनुमान जयंती मनाई जाती है। 30 अक्टूबर को विश्व मितव्ययता दिवस, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है।
31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती मनाई जाती है, 31 अक्टूबर को संकल्प दिवस मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने किसे अपना निर्देशक नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा आपका कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें।